Assalamu alaikum. How are you, my friend? Your chef, आपकी खिदमत में दोबारा एक नई रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं. हम आपको बताएंगे कि गाय की जुबान का भुना किस तरह बनाया जाता है. Would be very nice and very delicious. मैं आपको इंग्रेडिएंट तो नहीं बताऊंगा और मैं जो मसाले डालकर जाऊंगा आप उसको फॉलो कीजिएगा प्लीज. थैंक यू. चलो फिर शुरू करें. ओके गाइस, ये हमारे पास थॉन्ग है, ठीक है. और क्या करेंगे, हम इसको बॉईल करेंगे, ठीक है. मैं थोड़ा इसमें पानी डालूंगा. ओके गाइस, इसमें मैंने पानी डाल दिया पूरा. इसको पानी से मैंने आपका भर दिया है. ओके गाइस, इसमें हम सॉल्ट मिक्स करेंगे. Guys, we've got some cinnamon sticks. So, मैं ये cinnamon stick डालूँगा इसके अंदर. मेरे पास कुछ bay leaves हैं. फिर कुछ मेरे cloves हैं मेरे पास. ये मैं इसके अंदर mix कर रहा हूँ. तो अब इसको मैं boil के लिए छोड़ दूँगा. हम इसको जब तक boil करेंगे, जब तक आप देखना रहे कि इसके जो thong के ऊपर जो इसकी skin है वो आराम से निकल ना जाए, ठीक है. ओके गाइस, इस हमने बॉईल कर लिया इसको. एंड अभी इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे, ठीक है. एंड फिर इसकी इसके ऊपर की स्किन उतारेंगे. ओके गाइस, जैसा कि आपने देखा था, हमने इसको बॉईल किया था थॉन्ग को. एंड इसकी स्किन निकाल दी. अब हम क्या करेंगे, इसके आपका पीसीस कर लेंगे. ये हमने रोटियां बना दी हैं छोटी, ठीक है. गाइस, सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे. तकरीबन चार टेबल स्पून मैंने इसमें तेल डाला. अनियंस को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे काट लिए. ये एक अनियन है. अनियन को हम फ्राई कर लें, ठीक है. ओके गाइस, अनियन थोड़ी ब्राउन हो गई है, ठीक है. अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन डालेंगे. एक स्पून अदरक है और एक स्पून हमने गार्लिक डाला इसके अंदर. तो थोड़ा मिक्स कर लेंगे इसमें और साथ में ये टमाटर डाल देंगे इसमें. दो टमाटर स्मॉल साइज के, इसको हमने चॉप कर लिया था, ठीक है. अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे. हाफ स्पून टी स्पून सॉल्ट अपनी मर्जी के मुताबिक, टेस्ट ब्लैक टाइप का वन स्पून. गरम मसाला हाफ स्पून. क्यूमिन पाउडर मैंने इसको होल क्यूमिन को ग्राइंड कर लिया था इसके अंदर. और दो स्पून मैंने ये डाले हैं इसके अंदर. वन स्पून ग्रीन चिल्ली एंड हाफ स्पून टर्मरिक पाउडर एंड क्वार्टर स्पून रेड चिल्ली.
मैश को मिक्स कर दूंगा, कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, we need gonna put more oil in later on. और इसी के साथ मैं ये टोंग डाल दूंगा जो हमने पीसेस बनाए थे। ठीक है, about another 2 tablespoons and oil gala. थोड़ा सा हम पानी मिक्स करेंगे इसमें। अब हमने पानी यूज किया, इसको हम अब हल्की आंच पे बट ढक के रख देंगे ताकि ये कुक होता रहे। अभी लेटर ऑन भी हम इसके अंदर लाइम जूस डालेंगे इसको। ठीक है, गाइस ये हमारे पास 2 टेबलस्पून लाइम जूस है जो हमने डाला इसमें, और ये हमारे पास हाफ ए टीस्पून मिक्स हर्ब। हम इसको अब मिक्स कर देंगे। ओके गाइस, ये टमाटर होगा डिसॉल्व हो गया इसके अंदर। ठीक है, जैसे हमने गार्निशिंग डालनी है ऊपर, इनमें मिंट लीफ है, पुदीना और थोड़ा सा तकरीबन 4 लीफ पुदीना के हैं, ये 3 मैंने ग्रीन चिली डाली है इसमें, हाफ इस टमाटर, धनिया। I just need to mix this. देखो ये 3 से 4 मिनट के लिए अब हम इसको पकाएंगे। आगे जो चिल्ली और टमाटर डाले हैं हमने वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं और भी लुक्स वेरी नाइस। हम ये थोड़ी सी बटर डाल दें ताकि इसका टेस्ट जो है ज़रा अच्छा हो जाए। ओके गाइस, ये हो गई रेडी, और जस्ट ग्रीन चिली सॉफ्ट हो जाए। ओके गाइस, ये हमारी एक डिश, हमारी ये डिश रेडी हो गई है। ठीक है, तो हम इसको डिश आउट करते हैं फिर आपको बताते हैं। ओके गाइस, ये हमारा टोंग भुना रेडी हो गया, आप देख सकते हैं, एंड इट्स वेरी डिलीशियस। एंड आप भी बनाइएगा, बताइएगा कि कैसे लगा एंड कमेंट सेक्शन में। ओके जनाब, चेक करते हैं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। Super, believe me, so nice and tasty.
स्पेशल आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि कैसी लगी। आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, एंड अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, लाइक के बटन ज़रूर दबाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यह है इंग्रेडिएंट इस रेसिपी की।